नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं अनुराग दीक्षित। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने श्री राम के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। पूरी अयोध्या को सजाया गया था, संवारा गया था। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा है। योगी राज में अयोध्या को उसी तरह सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं जिससे दिवाली भव्य हो। पिछले 5 साल से यह सिलसिला चल रहा है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने पहली बार सीएम बनते ही ऐलान किया था कि उनकी सत्ता में अयोध्या जगमगाएगी। प्रभु राम के आगमन पर अयोध्यावासी खुशी से झूमेंगे। हर घाट हर द्वार पर दीप जलाए जाएंगे क्योंकि भव्य होगी दिवाली, जगमग होगी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव पर्व आरंभ हो चुका है। सीएम योगी और दूसरे तमाम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। झांकी से पर्व की शुरुआत हुई है। अब मंगल आरती और रामलीला मंचन के बाद दीपोत्सव पर्व का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, उसी की एक झलक। तो पिछले 4 बार की तरह इस बार भी अयोध्या नगरी जगमगाएगी। 12 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 12,000 वॉलंटियर्स हैं। यानी कुल मिलाकर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसको बेहतर किया जाए, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी के चलते 12,000 इस तरीके के लोग सामने आए हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राम की पैड़ी पर 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, रामलला दरबार में 1.5 लाख दिए जलाए जाएंगे और अयोध्या में जो बाकी तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर तकरीबन 3 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है, जानकारी है। ये सब संख्या मिलाकर 12 लाख होती है। हालांकि जानकारी आ रही है कि 12 लाख से आगे भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस बार अयोध्या में जो दीपोत्सव है उसको किस तरीके से भव्य बनाया जा रहा है, ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया। इस दीपोत्सव के खास अतिथि हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, साथ ही महेंद्र सिंह आप जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, नीलकंठ तिवारी भी यहाँ मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं, लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं, वेद प्रकाश गुप्ता भी अयोध्या के विधायक हैं यानी स्थानीय विधायक हैं, ऋषिकेश उपाध्याय महापौर हैं, मेयर हैं अयोध्या के। ये वो तमाम खास मेहमान हैं जो इस दीपोत्सव में शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा इस दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये वो 3 प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। न्यूज नेशन भी बड़ी कवरेज आप तक पहुंचाएगा, तो आप न्यूज नेशन पर बने रहिए। दीपोत्सव से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। दीपोत्सव का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बात की है, जिन्होंने अयोध्या में भव्य दिवाली कार्यक्रम की अहम जानकारी दी। और देखिए दिनेश शर्मा जी आ चुके हैं, फ्लैग ऑफ उन्होंने कर दिया है, एक शुभ शुरुआत हो गई है। दिनेश जी, मैं कह सकता हूं कि ये पूरा प्रदेश का जो वातावरण है, पूरा देश का जो वातावरण है, आज दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी अनूठी छटा बिखेर रहा है। और आप देखें यहाँ का कण कण राम का राममय बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 सालों की जो हमारे कार्यक्रमों की छटा थी कि कृष्ण जन्मभूमि पर हमारा वृंदावन में होलिकोत्सव, हमारा श्रावण में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हमारा भगवान शंकर का जो धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से है उत्सव, और आज ये रामोत्सव जो हमारे यहाँ पर मन रहा है, निश्चित रूप में भारत की जो सत्य परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति की जो मर्यादाएं हैं वो पुनर्जीवित हुई हैं। और मैं कहना चाहूँगा ये शक्ति का जो पता है वो कुछ छदम वैसी जो मौसमी राम भक्त हैं वो मौसमी राम भक्तों तक भी ये संदेश पहुंचा है। वो तो सब अयोध्या का दौरा कर रहे थे, जो कहते थे लोग कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दो, चिकित्सालय बना दो, कंडहर को बना दो, मस्जिद बना दो, हालांकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबरी का दर्जा हमारी सरकार ने दिया है, अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ छदम भेसी लोग हैं वो चुनाव की परिकल्पना वैतरणी को पार करने के दृष्टि अब दिखाई पड़ने लगे हैं। अब वो दाएं और बाएं हाथ से घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जनता ने संदेश दिया है कि जो लोग कहते थे कि पतंगा पर नहीं मारेगा, जो कहते थे राम सेतु बंधु रामेश्वरम और राम जी यहाँ पर हैं।
तो देखिए इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं भगवान श्री राम का, माता सीता का, लक्ष्मण का और हनुमान का। ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या की हैं। दरअसल में जो मान्यता है वो यही है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम की जब वापसी होती है अयोध्या में, तो अयोध्या को दीयों से सजाया जाता है उनके स्वागत के लिए। और कुछ उसी तरीके की तस्वीर को उकेरने की कोशिश है। भगवान श्री राम यहाँ पहुँचे हैं, माता सीता पहुँची हैं, लक्ष्मण पहुँचे हैं, हनुमान पहुँचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। अब तिलक उनका लगाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और देखिए ज़रा यहाँ पर झांकियाँ निकाली जा रही हैं, इस तरीके से एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से ज़्यादा इस तरीके के रथ रहे हैं जहाँ पर झांकियाँ आज निकाली गई हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल में भगवान श्री राम जब लौटते हैं अयोध्या तो उनके घर लौटने की ये झांकी है। इस रथ पर बैठकर अयोध्या में भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण और हनुमान के साथ लौट रहे हैं। साथ ही साथ भगवान शिव रूप भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साधु संत भी इस झांकी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अयोध्या में वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम के दौर में जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया होगा, कुछ उसी तरीके की स्थिति एक बार फिर दर्शाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं बताते हैं। फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष लगातार यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां हैं। एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सियासी दावे अपनी जगह, लेकिन आज का दिन आस्था का है, परंपरा का है, संस्कृति का है, दीपोत्सव का है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। न्यूज नेशन लगातार आपको अयोध्या से भव्य तस्वीरें दिखा रहा है। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, दिवाली पर अयोध्या में श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। आपको अयोध्या से कुछ और भव्य तस्वीरें दिखाते हैं। भव्य दिवाली, जगमग अयोध्या, जलेंगे दिए, बनेगा रिकॉर्ड। पिछले 5 साल से अयोध्या में इसी तरह दिवाली का आयोजन होता रहा है। जिस वक्त सीएम योगी जीत कर आए थे तभी से अयोध्या में भव्य दिवाली का ऐलान किया था। उसके बाद से साल दर साल दिवाली पर अयोध्या इसी तरह जगमगाती रही। राम दरबार सजता है, रामलीला का मंचन होता है, झांकी निकाली जाती है जिसमें देश विदेश के कलाकार हिस्सा लेते हैं। दीपोत्सव 2021 अपने आप में बहुत सारे कारणों की वजह से एक अद्भुत और नया होगा। एक रिकॉर्ड तो 9 लाख दियों का बनेगा ही, लेकिन हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ होने क्या जा रहा है। सुबह इस सरयू घाट के ठीक यहाँ पर दोपहर के बाद हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, और उसके बाद जो कार्यक्रम शुरू होगा यहीं पे हेलीकॉप्टर में ही राम, लक्ष्मण, सीता आएंगे, उनकी यहाँ पे अगुवाई की जाएगी। और इस अगुवाई से हम आपको वो सब चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ से उनकी अगुवाई मुख्यमंत्री करते हुए लेकर आएंगे, और उनके लिए ये विशेष तौर पे रथ बनाया गया है। इस बार दिवाली पर 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सीएम योगी लगातार अयोध्या जाकर कार्यक्रम की जानकारी लेते रहे। अयोध्या में जगमग दिवाली के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी है। दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। अयोध्या में झांकी निकाली जा चुकी है, कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान देश विदेश से राम भक्त इस ऐतिहासिक दौर का गवाह बनने के लिए अयोध्या में है, जिनके मुख पर जय श्री राम के जयकारे हैं। अयोध्या से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो आज पूरी अयोध्या सज चुकी है और इंतजार हो रहा है दीपोत्सव का। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर भगवान श्री राम पहुंच चुके हैं अयोध्या, अपने घर जा रहे हैं इस रथ पर बैठकर। साथ में है माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, साधु संत, भगवान शिव रूप भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से राम में हो चुकी है, दीपोत्सव का इंतजार। और उससे पहले धर्म, संस्कृति, आस्था की झलक किस तरीके से देखी जा रही है, तैयारी कितनी व्यापक स्तर पर की गई है, यह आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम पहुंचे हैं अपने रथ से, उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री खुद मौके पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, साथ ही साथ मौजूद हैं जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। पूरे देश में पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इसकी जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी के कंधों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए भगवान श्री राम का, माता सीता का, लक्ष्मण का, साधु संतों का, हनुमान का। शनै शनै पधार रहे हैं भगवान राम अपने अनुज, अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ, भरत शत्रुघ्न के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। संपूर्ण अयोध्या गौरवान्वित है, संपूर्ण अयोध्या आनंदित है। गुरु वशिष्ठ पधार चुके हैं, भगवान राम माता जानकी के साथ अपना स्थान लेते हुए, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके साथ हैं। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय है श्री राम जानकी के पूजन वंदन का, आरती का एवं श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक का। गुरु वशिष्ठ सबसे पहले राज तिलक करेंगे। भगवान श्री राम का अयोध्या नगरी में दीपावली के इस पावन अवसर पर, इस दीपोत्सव पर, इस अद्भुत आयोजन के माध्यम से आज सांकेतिक राष्ट्रतिलक होगा। आज अयोध्या वह दीपावली देखने वाली है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए अब आपको दीपोत्सव की पांच तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे साल 2017 से लेकर इस साल तक यानी 2021 तक अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। 2017, 18, 19, 20 और 2021 दीपोत्सव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप देख सकते हैं अयोध्या में किस तरीके से हर साल दीपोत्सव को धूमधाम से मनाया गया है, जो जश्न का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तिलक लगाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भगवान श्री राम का उनके घर अयोध्या में। ये राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का अयोध्या में। अयोध्या धन्य हो रही है, भगवान राम पधार चुके हैं, उनका राज तिलक करने का क्रम जारी है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से कृपया मंच पर पधारें, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी कृपया मंच पर पधारें और भगवान राम का राज तिलक करें। राजा राम जी संग तो है सिया महारानी।
भगवान राम का पूजन और वंदन लगातार अनवरत पूजन और वंदन का क्रम जारी है। मैं अनुरोध करूंगा विश्व हिंदू परिषद के दिनेश जी से कृपया मंच पर पधारें पूजन और वंदन के लिए राजा राम माता जानकी के पूजन वंदन के लिए दिनेश जी विश्व। तो राज्याभिषेक इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या में हो रहा है भगवान श्री राम का माता सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का। तमाम भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद सरकार मंत्री सब मौजूद हैं, स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान श्री राम का। मौका बेहद खास है, 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या अपने घर वापस लौटे हैं और इस वक्त हो रहा है उनका राज्याभिषेक। पतियों पर नारियां समर्पित, पुरुष हैं एक पत्नी व्रतधारी। त्रेता सत्ययुग का रूपांतर, सब परमार्थी वेदाचारी। धन धान्य से पूरी वसुधा, घन जब मांगो जल देते। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं मंच पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक एक करके। सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैको के हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर रोजर गोपाल, कैन यू काइंडली कम ऑन द स्टेज डॉक्टर रोजर गोपाल। सनातन धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से लगातार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक रहा है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। आज सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर से मेहमान पहुँचे हैं अयोध्या। ट्रिनिडाड और टोबैगो के माननीय राजदूत डॉक्टर रोजर गोपाल आ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। उनके साथ आ रहे हैं वियतनाम के राजदूत हिज एक्सीलेंसी फैम सैंग चाउ और केन्या के राजदूत हिज एक्सीलेंसी विली बेट। ये तीनों कृपया मंच पर पधारें, काइंडली कम ऑन द स्टेज। ट्रिनिडाड और टोबैगो के राजदूत, वियतनाम के राजदूत और केन्या के राजदूत राजा राम का पूजन और अर्चन करेंगे, माता जानकी की आरती करेंगे। हम धन्य हैं अयोध्या नगरी में ये तीनों राजदूत आज दीपावली के शुभ अवसर पर पधारे हैं। अयोध्या नगरी धन्य हो गई। मैं चाहता हूँ विशेष रूप से इन तीनों राजदूतों के लिए अयोध्यावासी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। नहीं प्रभु की महिमा जाए, बखानी बखानी राजगद्दी विराजी राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजी राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, जोड़ी सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, सत्पुरुष है एक पत्नी। धन्यवाद माननीय राजदूत गण, आप तीनों माननीय राजदूतों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, अयोध्या वासियों की ओर से। परम पूज्य संत गण जो सामने बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध कर रहा हूं अत्यंत विनम्रता पूर्वक, कृपया मंच पर पधारें। मंच पर आपके आने से ये मंच गौरवान्वित होगा। और अयोध्या के सांसद महोदय से मैं अनुरोध कर रहा हूं अत्यंत विनम्रता पूर्वक, कृपया मंच पर पधारें। और भगवान राम माता जानकी लक्ष्मण भ्राता शत्रुघ्न, उन सब का पूजन वंदन करें, उनकी आरती करें, क्योंकि ये क्षण वापस लौटने को नहीं है। माननीय संत गणों से अनुरोध है, अयोध्या के सांसद महोदय से अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है, दिन बेहद खास, राज्याभिषेक इस वक्त हो रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।